कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे और अपने बच्चे अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीजी पर ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर आने वाले वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज आपका भाई एक बार फिर हाजिर है एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक न्यू एंट्री के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे सेटअप पे एक न्यू एंट्री हुई है और वो किस चीज़ की हुई है तो वो आपको दिखा दूंगा इंशाल्लाह। और फिंच की माशाल्लाह जो है म्यूटेशन फिंच की एंट्री हुई है और ये जो म्यूटेशन है ये हम लोगों ने 7 भाई से नहीं लिए। तो आप लोग काइंडली ये नहीं बोलिएगा कि 7 भाई से ये कितने का लिया है, तो ये 7 भाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये हम लोगों ने एक अलग सेटअप से उठाई है भाई ने, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वीडियो में, पूरा पकड़ के दिखाऊंगा आप लोगों को कौन सी फिंच है कौन सी नहीं है। तो देखिएगा लाजमी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अगर जिन भाइयों ने नहीं किया, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो उनसे भी काइंडली गुजारिश है कि वो लोग सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो जिस पेयर की मैं माशाल्लाह बात कर रहा हूँ वो मेरे हाथ में है इस टाइम, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन सा पेयर माशाल्लाह हम लोग लेकर आए। ये तो देखें, तो माशाल्लाह आप लोग लाजमी बोलें, ये हमारा ऑरेंज का पेयर आया है माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप लोग देख सकते हैं ये एनजी का ऑरेंज का मेल है, और वैसे तो ये भाई रात में लेकर आए तो मुझे तो इतना आइडिया नहीं है ये कौन सा पेयर है। बाकी फीमेल जो है वो इजाबेल टाइप कुछ इसमें से निकली हुई है, तो साइज़ वगैरह आप देख सकते हैं माशाल्लाह साइज़ बहुत अच्छा है इनका। इंशाल्लाह अभी हम लोग पेयर अप नहीं कर रहे, थोड़ी सेटिंग हमें करनी है अपनी कॉलोनी के अंदर, तो वहीं पर हो सकता है इन पिंजरों को भी हम वहीं पे लेके चले जाएं। तो अब देखते हैं थोड़ी सी, अभी सबकी हम लोगों ने पेयरिंग तोड़ी हुई है और इनकी भी अभी हम लोग मेल अलग और फीमेल अलग छोड़ रहे हैं इंशाल्लाह। तो अब छोड़ते हैं आपको दिखाते हैं और पकड़ के भी आपको दिखाते हैं, किसी को भाई को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सा पेयर है। फाइनली फीमेल है माशाल्लाह, आप लोग लाजमी बोलें, और साइज़ आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन साइज़ है। ये देखें, ये हमने इसमें छोड़ दिए। अच्छा, उसके बाद दोस्तों ये मेल आ गया, मेल देखिए रिंग बर्ड है माशाल्लाह इसके पैर में। मैं आपको दिखाऊं तो ये रिंग भी डला हुआ है, देखें किसी फॉर्म अच्छे बंदे से हम लोग लेकर आए हैं, बहुत अच्छा सेटअप था उनका फिंचेस का। तो ये देखें सामने से सीना चेस्ट वगैरह दिखाएं, तो ये देखें बहुत अच्छा ऐसा मेल एक हमारे पास है भी जो हमारे घर का निकला हुआ है। और ये देखें यहाँ इसकी जो ये लाइनें देखें माशाल्लाह, और दुम के देखें वो दायरा बहुत अच्छा है, और पर के नीचे से भी दिखा रहे थे आपको पकड़। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा मेल है ये ऑरेंज का। और ये देखें इसके साथ छोड़ते हैं, ये देखें मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें ये पेयर है। तो दोस्तों अभी तो हम लोग इनसे ब्रीडिंग नहीं लेंगे, थोड़े से दिन बाद इंशाल्लाह इनसे ब्रीडिंग लेंगे। जब तक हमारा रूम कूलर नहीं आएगा तब तक हम इनसे ब्रीडिंग नहीं लेंगे, और इंशाल्लाह जैसे ही रूम कूलर आता है इंशाल्लाह तो हम इनको ब्रीड पे लगाएंगे। और अभी भी ये थोड़े से छोटे हैं, अभी ब्रीड नहीं करेंगे ये। और ये हमने जब छोटे थे जब हमने ये बुक करवाए थे, और तकरीबन हम बड़े हो चुके हैं, तो लेकिन अभी भी ये तकरीबन 1.5 महीना लेंगे, अभी भी ब्रीड नहीं करेंगे, तकरीबन 1-1.5 महीना लेंगे अभी भी ये। तो इंशाल्लाह आप लोगों को उम्मीद है कि पसंद आया होगा पेयर बहुत। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये पेयर आप लोगों को कैसा लगा। और रेट्स वगैरह के हवाले से मैं आप लोगों को आइडिया दे सकता हूँ, मैं आप लोग एक रेट नहीं बता सकता कि भाई कल को हम लोग की जाहिर सी बात है हम काम कर रहे हैं, कल को हम आगे बेचेंगे भी और सेल भी करेंगे परचेज भी करेंगे। तो बाकी फिर जो है ना बाद में फिर कमेंट्स आते हैं कि ये पेयर तो आप लोगों ने इतने का लिया था और इसके बच्चे आप इतने का दे रहे हैं, या फिर ये पेयर ज़्यादा का लिया था इसके बच्चे सस्ते क्यों दे रहे हैं, इस तरीके से जो है ना बहुत कमेंट्स आते हैं। तो मैं आप लोग को एक रफ आइडिया दे देता हूँ, ये तकरीबन 8 से 12 के दरमियान में आपको बता रहा हूँ इस तरीके से। तो बाकी आप लोग कुछ समझदार हैं जो भी काम करते हैं अपने एक्यूरेट रेट नहीं बताता है, तो जिसको आगे सेल परचेज करना होता है, जिसको अपने पास रखना होता है वो तो बता देता है, लेकिन अगर जिसको आगे सेल परचेज करना होता है तो वो अपने रेट्स वगैरह नहीं बताता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को
वीडियो बहुत पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, फिर मान लिया, अल्लाह हाफिज़।